नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से मुलाकात, कहा राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप हो योजनाओं का निर्माण। मार्च 2019 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा। भारतनेट परियोजना के अंतिम चरण का शुभारंभ। गांव तक पहुंचेगी डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि संबंधित जानकारियां। युवाओं को सैन्य बलों की भर्ती परीक्षाओं के लिए कुमाऊं और गढ़वाल में स्थापित किए जाएंगे 2 प्रशिक्षण केंद्र। मुख्यमंत्री ने की बैंगलोर सिलेक्शन सेंटर के कमांडेंट मेजर जनरल VPS भाकुनी से मुलाकात। और उत्तराखंड में अगले 3 दिन में हल्की बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जताया 13 से 15 नवंबर तक बारिश का अनुमान। वायु प्रदूषण घटने के साथ ही किसानों को मिल सकती है राहत। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने मार्च 2019 तक देश के सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा मुहैया कराने के लिए आज भारत नेट परियोजना के 2रे व अंतिम चरण का शुभारंभ किया। इस परियोजना पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संचार मंत्री मनोज सिन्हा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और विभिन्न राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इसकी शुरुआत की। गौरतलब है कि भारत नेट के माध्यम से डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि की जानकारी गांव तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर राज्य की परिस्थिति के अनुरूप योजनाओं का निर्माण किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन, ऑर्गेनिक कृषि व हॉर्टिकल्चर आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने की पक्षधर है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि आयोग और राज्य सरकार के बीच सीधा संबंध जरूरी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को जानने के लिए आए हैं। अगर केंद्र सरकार के स्तर से राज्य सरकार की किसी परियोजना में कोई सहायता करनी हो तो इसके लिए भी नीति आयोग कदम उठाएगा। राज्य के युवाओं को सैन्य बलों की भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। इसके तहत कुमाऊं और गढ़वाल में 2 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये निर्णय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सेना के बैंगलोर सिलेक्शन सेंटर के कमांडेंट मेजर जनरल VPS भाकुनी की मुलाकात के दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरभूमि उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य राज्य है और यहाँ के युवाओं में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ऐसे में युवाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण देकर NDA और CTS परीक्षाओं में उनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। हरिद्वार के दादूवाल आश्रम में संस्कृत और हिंदी भाषा में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कई स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने भी शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह से आयोजनों से संस्कृत और हिंदी भाषा को बढ़ावा मिलेगा। संस्कृत एक हमारी जो राजभाषा है, देववाणी है और सभी भाषाओं की जननी है, उसकी आज दुर्दशा है। और ये दुर्दशा इसलिए है कि 3000 वर्ष पूर्व तक तो संस्कृत पूरे देश भर में सर्वत्र बोली जाती थी और संचार हमारे संवाद का माध्यम हुआ करती थी। और आज इसकी दुर्गति की स्थिति का आकलन हम इस आधार पर कर सकते हैं कि 2001 की जनगणना में मात्र 14,135 लोग ही संस्कृत बोलने वाले हैं, अर्थात 125 करोड़ के देश में केवल मात्र 14,135 लोग संस्कृत बोलते हैं। तो इसका सीधा तात्पर्य हम कहाँ पर खड़े हैं, इस विषय को लेकर के हमने काफ़ी गंभीरता से काम करने प्रारंभ किए। समाज के सहयोग से इन कार्यों को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
है। आज यहाँ पर देववाणी के संरक्षण के लिए ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों का वितरण भी किया जाने वाला है, प्रोत्साहन ताकि उनको दिया जा सके। और संस्कृत आम प्रचलन की भाषा हो, ये केवल कर्मकांडी भाषा न रह करके आम संवाद की भाषा बने, इसका प्रयास करने की आवश्यकता है। संस्कृत हिंदी प्रतियोगिता में साधु संत और शिक्षा जगत से जुड़े लोग भी उपस्थित रहे। देहरादून में समाज सेवी स्वामी राम के 21वें महासमाधि समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कार्यक्रम में शिरकत कर स्वामी राम को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी राम ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित किया, उनका जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जीवन का संपूर्ण जो मानवता की सेवा के लिए अर्पित कर दिया और के द्वारा जो तमाम सेवाएं राज्य में दी जा रही हैं और शिक्षण संस्थाएं हैं, मैं समझता हूं कि सेवा, कहते हैं कि सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं है, वो काम स्वामी राम जी ने किया है और आज उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है, हजारों लोग ऐसे हैं कि जो उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। हैं और हिमालय की शक्ति उनके अंदर जो समाई थी, आज उन्होंने जिस संस्थान की स्थापना की वो आज जो बट वृक्ष के रूप में बढ़ रहा है और दूर दूर तक उसकी छाँव के नीचे लोग विभिन्न प्रकार की अपनी प्रतिभाओं को उजागर करके समाज की सेवा के लिए सामने बढ़ रहे हैं। स्वामी राम जी की प्रेरणा से चलने वाला ये संस्थान निश्चित रूप में उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए हमारे एक उपलब्धि। गौरतलब है कि स्वामी राम ने 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना की और 1996 में ब्रह्मलीन हो गए। बाल दिवस की पूर्व संध्या पर पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में विभिन्न संस्थाओं द्वारा उन्मुक्ति नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने शिरकत की। जरूरी सुविधाओं से वंचित बच्चों को मुख्य धारा से किस तरह से जोड़ा जाए, इसको लेकर सुझाव साझा किए गए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन लगातार वंचित बच्चों के अधिकारों के लिए अभियान चला रहा है। घनश्याम मोली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी करके एक एन जी ओ है जो चिल्ड्रंस राइट्स को लेकर के काफ़ी काम करते हैं, उनके माध्यम से आज जो है एक बड़ा सा कार्यक्रम किया जा रहा है चिल्ड्रंस डे को लेकर के, उसमें जो है जो भी मेन स्ट्रीम से जो वंचित रह गए बच्चे जो हैं, जो चाइल्ड लेबर से पीड़ित हों या विशेष कारणों से जो है जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, उनको जो है मेन स्ट्रीम में लाने का एक प्रयास है। जिलाधिकारी ने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए समाज के हर वर्ग से सहयोग करने की अपील की। बागेश्वर में पहली बार राज्य स्तरीय अंडर 19 बालक वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में प्रदेश भर की नामी टीमें भाग ले रही हैं। खेल अधिकारी विनोद सिंह वालदिया ने बताया कि स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रानीखेत और मुनस्यारी जैसे स्थानों से खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बागेश्वर में अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जो 9 तारीख से 13 तारीख तक चलेगा। इसमें पूरे प्रदेश की 12 टीमों ने प्रतिभाग किया। विशेष तौर से हमने वही टीमें इसमें ली जो स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स हॉस्टल हमारे विभाग की जो योजना चल रही, उसके अलावा हमने रानीखेत है, मुनस्यारी है, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, कुल मिला के 12 टीमों का ये लीग कम नॉकआउट आधार पर इस टूर्नामेंट को किया गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता का फाइनल मैच मुनस्यारी और हल्द्वानी की टीमों के बीच खेला जाएगा। उत्तराखंड में अगले 3 दिन हल्की बारिश की संभावना है। शीतकाल की इस पहली बारिश की शुरुआत पर्वतीय जिलों से होगी। मौसम विभाग की माने तो 3 दिन तक राज्य में शीतकाल की पहली बारिश होने की उम्मीद है। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने अनुसार उत्तराखंड में 13 से 15 नवंबर तक हल्की बारिश की संभावना बन रही है। स्मॉग की मार से त्रस्त दिल्ली जैसे हालात भले ही उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन बारिश न होने से वातावरण में खुश्की बढ़ गई है।
देखिए अभी तक जब से मानसून की वापसी हुई है उसके बाद से करीब करीब जो बारिश हमारे यहाँ नहीं हुई है। हालांकि मानसून रिट्रीट कर जाता है उसके बाद अक्टूबर या नवंबर में कमी बारिश होती है, बहुत कम नॉर्मल्स भी, खासकर अगर नवंबर की बात करते हैं तो उसका है। दिसंबर से एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, लेकिन इस समय अगर बात करें, आज 13 तारीख हो गई है नवंबर की, तो अभी आगे 3 से 4 दिन के अंदर जो है कुछ एक्टिविटी है। बारिश से जहां प्रदेश भर में वायु प्रदूषण का स्तर घटने की उम्मीद है, वहीं खेती किसानी के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। जोशीमठ में सैन्य क्षेत्र गढ़वाल स्काउट कैंप के समीप एक निजी कूड़ा डंपिंग जोन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद प्रशासन हरकत में आया और फायर ब्रिगेड विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। उत्तराखंड के समाचार में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से मुलाकात, कहा राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप हो योजनाओं का निर्माण। मार्च 2019 तक देश के सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा। भारत नेट परियोजना के अंतिम चरण का शुभारंभ। गांव तक पहुंचेगी डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि संबंधित जानकारियां। युवाओं को सैन्य बलों की भर्ती परीक्षाओं के लिए कुमाऊं और गढ़वाल में स्थापित किए जाएंगे 2 प्रशिक्षण केंद्र। मुख्यमंत्री ने की बैंगलोर सिलेक्शन सेंटर के कमांडेंट मेजर जनरल वीपीएस भाकुनी से मुलाकात। और उत्तराखंड में अगले 3 दिन में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जताया 13 से 15 नवंबर तक बारिश का अनुमान। वायु प्रदूषण घटने के साथ ही किसानों को मिल सकती है राहत। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।